आज हम लोग लुसेंट में भारत के भूगोल के सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में और उससे सटे अन्य जो कुछ राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चलिए बताइए, हाँ भारत के टोटल कितने पड़ोसी देश है? 7 गो स्थल से, हाँ 2 गो जल से। हाँ कौन कौन स्थल में आता है? बांग्लादेश, हाँ म्यांमार, हाँ चीन, हाँ भूटान, हाँ नेपाल, हाँ अफगानिस्तान, हाँ और एक तो पाकिस्तान। हाँ जल से आता है मालदीव, हाँ प्लस हाँ चलिए अब श्रीलंका। हाँ बताइए कि बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है पड़ोसी देश, उससे भारत के कौन कौन राज्य सटे हुए हैं? वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। और म्यांमार से? म्यांमार से आता है आपका मिजोरम, हाँ मणिपुर, हाँ नागालैंड, हाँ अरुणाचल प्रदेश। और आपका भूटान से? भूटान से आता है सिक्किम, हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ असम, हाँ अरुणाचल प्रदेश। हाँ नेपाल से? नेपाल से आता है उत्तराखंड, हाँ उत्तर प्रदेश, हाँ बिहार, हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ सिक्किम। और चीन से? चीन से आता है जम्मू कश्मीर, हाँ हिमाचल प्रदेश, हाँ उत्तराखंड, हाँ उसके बाद सिक्किम, हाँ उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चीन से पूछा। हाँ और आपका इधर पाकिस्तान से? पाकिस्तान से आता है जम्मू कश्मीर, हाँ पंजाब, हाँ राजस्थान, गुजरात। और अफगानिस्तान से? जम्मू कश्मीर। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए। इंदिरा पॉइंट। पहले इसका नाम क्या था? पैगमिलियन पॉइंट। ठीक है, ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर में कौन सा पॉइंट है? उत्तर में इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये कहाँ पे है? ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, पूर्व में कौन सा पॉइंट? पूर्व में आपका वो वालांगो पॉइंट। कहाँ पे है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में? पश्चिम में सर क्रीक है। सर क्रीक है, ये कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में मुंबई में भी एक तो पॉइंट है, क्या नाम है उसका? चलिए ठीक है, तमिलनाडु में एक तो पॉइंट है, उसका नाम बताइए। पॉइंट कलिमरी। हाँ और एक आता है श्रीलंका में भी एक तो पॉइंट है, उसका नाम क्या? श्रीलंका के जाफना में पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ है? श्रीलंका का। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। खत्म जाने के चक्कर में हम लोग समझ रहे हैं। चलिए भारत, हाँ भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है? भारत और चीन, हाँ मैकमोहन रेखा। और ये कब निर्धारित किया गया? 1914 में। कहाँ पे? शिमला में। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है? नूरन रेखा। आई पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा था? डुरंड रेखा था। ये कब निर्धारित किया गया था? 1896 में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? डुरंड के द्वारा। हाँ अब ये रेखा किन दो देशों के बीच में? हाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अब ये रेखा बना हुआ है, डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। हाँ ये कब निर्धारित किया गया? 1947 में। किसके द्वारा? सर सी जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। दक्षिण में, हाँ श्रीलंका भारत से कौन से जल संधि से अलग होती है? पाक जल संधि। और कौन सा खाड़ी? और ये अलग होती है मन्नार की खाड़ी से। ठीक है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाले 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्य से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। अब ये कर्क रेखा, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है हम बताते हैं। ठीक है, हम कर्क रेखा भारत 8 राज्यों से गुजरता है, हम नाम बता दे रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत हो गया।
पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के दक्षिण में किन जगहों से होकर गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। और ये त्रिवेंद्रम किस राज्य में पड़ता है? केरल। और त्रिवेंद्रम जो है केरल का सबसे बड़ा नगर है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य भारत का कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? आठ गुना। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सटा हुआ है? आठ राज्य। नाम होगा उसका, नाम बताइए उसका। तो उत्तराखंड, इधर में चल जाएंगे हरियाणा, और भी क्या, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार। कौन? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, बिहार, पूरा बोलते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। यह सबसे बड़ा राज्य ने सबसे भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से ही है ना। और ये भारत का आठ राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे अधिक जो है राज्य जो है इन्हीं स्टेट से सीमा साझा करती है। आठ राज्य टोटल भारत का जो नाम बताए हुए। अब आगे उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्र राजधानी, भारत की राष्ट्र राजधानी का न्यू दिल्ली, तो उससे भी सीमा साझा करती है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी 1663 किलोमीटर है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटीय लंबी आंध्र प्रदेश की तटीय लेकर लंबी है। अच्छा, भारत राज्य में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है और कितनी है? 1663 किलोमीटर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा लंबी है। ठीक है, भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। जो तट रेखा है उससे टोटल 9 राज्य लगे हुए हैं, सटे हुए हैं। और वे कौन कौन से राज्य है? गुजरात है जो कि भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा, कितना? 1663। और महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सब के सब है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये हमारा तटीय रेखा, तट रेखा वाला है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में यानी जो पूर्व दिशा में है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, संकोच नदी पूर्व में है और असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ठीक है, सीमा बनाती है। बीच में बता रहे सीमा। संकोच नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, आगे बोलिए। हो गया, अब दर्रे में आएंगे। इसको पढ़ दीजिए ना। इसको पढ़ देते हैं। अब दर्रे में आते हैं। ठीक है, यांग याप दर्रा। ठीक है, यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती कहाँ? भारत में। आगे बढ़िए।
जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, जोजिला का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है, और सिटकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ, और जिलेपला का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, सिटकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा, और जिलेपला का निर्माण तिस्ता नदी के द्वारा स्थित है। नदी का लोकेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी बस जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। इसी का दूसरा नाम है बोल्डविन हॉस्टिंग, K2 बोलते हैं इसको, K2, और ये जम्मू कश्मीर कितना ऊंचा है, 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली सड़क बनाई गई है, ठीक। और बोलिए NH1A है ना, NH1A ले को जोजिला दर्रा से होकर जाने वाली कश्मीर घाटी से जुड़ती है, ठीक है, जो बढ़िया लगे तो जोड़िएगा। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जुड़ती है, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जुड़ती है, श्रीनगर और गिलगित कौन जुड़ता है, बुर्जिल दर्रा। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर को जाने का मार्ग गुजरता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली रेखा कौन सा है, बनिहाल दर्रा रास्ता जो वही दर्रा ही हुआ पास ही है। ये जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, बनिहाल दर्रा में ही स्थित है हमारा जवाहर सुरंग, ठीक है। ये किससे जोड़ता है, जम्मू और श्रीनगर का रास्ता बनाती है बनिहाल दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर में है, तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर में, और ये किसे जोड़ता है, भारत और म्यांमार को जोड़ता है, भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा कौन सा है, तुजू दर्रा। ये कहाँ है, दर्रा कहाँ है, मणिपुर में है, ये म्यांमार को जोड़ता है, भारत और म्यांमार, हाँ मणिपुर बोले भारत में है। सिटकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, सिटकिला दर्रा तिब्बत क्या है, तिब्बत को शिमला से जोड़ता है ना, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है, जीवित जड़ पुल कहाँ है, मेघालय में। जो मर नॉट, मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे जिंगकैंग ईरो कहते हैं, ठीक है, जिंगकैंग ईरो तीन अर्ध चंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं, और भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका तलैयामन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई परवाल द्वीप की एक रेखा है, उसके बाद आदम का पुल कहा जाता है, इससे आदम का पुल कहा जाता है। बताइएगा भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में, बोलिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, काराकोरम, पीर पंजाब, बुर्जिल, बनिहाल, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा, बाणा लाचा, सिटकिला दर्रा। और उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मना दर्रा। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा। और मणिपुर में, मणिपुर में तो है तुजू दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाब दर्रा, बोमडिला दर्रा, और एक तो है डीफू दर्रा। ठीक, खत्म आज का।